जी में बंदे एक मुर्दे नू मोढ़ा देना पुन समझदे ने। काश इसे तरह जे जिउंदे इंसानां नू सहारा देना पुन समझण लग पैण ते जिंदगी बड़ी ही आसान हो जावे। दूजी बेनती, संसार नू की रब नू भी जित्या जा सकता है अपने संस्कारां दे नाल, ना कि अहंकार दे नाल। कह दियो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। अगली बेनती, प्रेम सदा माफी मंगना पसंद करता है ते अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। हुण जरूर झाती पायो, साडी गिणती प्रेम करन वालियां च है कि अहंकारियां दे विच। अगली गल, जिंदगी विच खत्म होण वर्गा कुछ भी नहीं हुंदा। कई बारी बंदा कहिंदा ना, मेरे ते सारे रस्ते ही रुक गए ने, लगदा है हुण कुछ बचिया ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। ये गल तुहानू बड़ा हलूणा देवेगी। जिंदगी विच खत्म होण वर्गा कुछ भी नहीं हुंदा, हमेशा एक नवी शुरुआत तुहाडा इंतजार कर रही हुंदी है। एक बारी कह दियो वाहिगुरु, वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन धन बाबा दीप सिंह। अगली बेनती प्यारियो, खुद दी तरक्की विच इन्ना वक्त लगा दियो कि तुहानू दूजियां दी बुरियाई करन दा वक्त मिले ही कोई ना। इन्ना तुसी बिजी हो जो, इन्ना वक्त लगा दियो कि दूजियां दी बुरियाई करन दा वक्त तुहानू मिले ही कोई ना। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। अज फिर असी तुहाडी सेवा विच तुहाडे घर विच आए बैठे हाँ जी, ते प्यार नाल असीस दिओ ता जो कीर्तन द्वारा असी तुहाडी सारे रल मिल के सेवा कर सकीए। प्यार सहित फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी जो कथा विचारां दी कीर्तन दी लड़ी नूं अगे तोरन तों पहला मैं जरूरी बेनती करनी अपना फर्ज समझदा, जिहड़ी बेनती मैं कल भी कीती सी कि जो ये सारे संसार दे उत्ते मुश्किल दा समा आया होया है, इस संकट दी घड़ी दे विच आओ सारे रल मिल के मूल मंत्र दा जाप करके गुरु चरणा विच अरदास बेनती करिए। 9 जुलाई यानी कि परसों, 9 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 3:05 तों 3:15 तक, ये 10 मिनट का समा सारी संगत ने एकत्रित होके, कोई भी तुहानू काम है, दुकान ते भावें तुसी बिजी हो, भावें ऑफिस विच बैठे हो, घर दे विचो सारे रुझेवियां नू त्याग के 3:05 तों 3:15 का जिहड़ा समा है, सारिया संगतां ने, देशां विदेशां दीयां संगतां ने एक परिवारक रूप बन के, परिवार दे मैंबर बन के गुरु चरणा विच अरदास करनी है कि दत्ता जी हुण साढ़े इम्तिहान ज़्यादा ना लो। हर इम्तिहान दे विचों असी फेल हाँ। ये जिहड़ी करोना वर्गी बीमारी है, ये बीमारी नूं आप दूर करो, आप ही अपनी बख्शिश वरताओ, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। असी चंगे हाँ, मंदे हाँ, बुरे हाँ, भले हाँ, पर हाँ मालक जी तुहाडे, हुण कृपा करो अपने बच्चियां दी लाज रखो। और मैनू ये विश्वास है, मैनू पूर्ण भरोसा है, जदों सारे वर्ल्ड दी सारे संसार दी संगत एक चुट हो के इको वक्त अरदास करेगी ना, गुरु साहब बिद बनाउणगे बनाउणगे, ना ते बीमारी नूं भजा इलाज इंजैक्शन कोई ना कोई दवाई इहदी इहो जी निकल आएगी जिहदे नाल इहदी रोकथाम होएगी, क्योंकि मैनू विश्वास है गुरु रामदास ते।
मैनू विश्वास है बाबा दीप सिंह दे उत्ते, मैनू विश्वास है गुरु की बाणी दे उत्ते, ते संगत जी तुहाडे उत्ते। तुहाडे तो बिना, बाणी तो बिना, गुरु तो बिना होर साडा कोई आसरा नहीं। ते मैनू विश्वास है एक कृपा वरतेगी ही वरतेगी। मैं कोई वड्डे बोल नहीं बोल रहा, पर अपने एक विश्वास की गल कर रहा। गुरु जी जल्दी ही मेहर वरताउणगे, जल्दी। मैं ये नहीं कहन लगा कि इन्ने समय तक मेहर वरत जाएगी, पर यह तुसी लाइव बैठे सुन रहे हो, इन्ना मैं जरूर गुरु जी की कृपा दे नाल कह रहा। मैनू इन्ना विश्वास है जदों असी सारे रल के अरदास करांगे ना, ते सतगुरु कई सालां दा जेड़ा ये औखा समा असी भोगना है। प्यारे ओ, जे साहब चाहे ये औखा समा थोड़े दिनों विच भी कट सकता है, थोड़े घंटियां विच भी कट सकता है, ते प्यारे ओ थोड़े मिंटां सकिंटां दे विच भी कट सकता है। कह दिओ वाहिगुरु, वाहिगुरु। उहदी मौज है जिवें उहने विध बनाउणी होई, पर ये मेरी अर्ज है, ये मैसेज अगां सारियां संगतां नूं मैं बेनती करदा, अपने लिंक विच जरूर दिओ, पोस्टां बना बना के। मैनूं बड़ी खुशी होई उड़ीसा तों, होर दिल्ली तों, गुरमुख प्यारियां ने होर कई शहरां तों आपे पोस्टां बना लईयां ने, संगत नूं शेयर करनियां शुरू करतीं। अज साडे वल्लों वी मैसेज तुहानूं पहुँच जाएगा, उहनूं वी भावें शेयर कर देना, भावें अपने लैवल दे उत्ते ये पोस्ट बनाओ ते हर जगह दे उत्ते शेयर करो कि 9 जुलाई वीरवार 3:05 तों जो 3:15 तक दोपहरे असी सारिया ने गुरु चरणा विच रल मिल के अरदास विच शामिल होना। एक बारी बोलो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। हुण प्यारे हो, वक्त अपनियां विचारां नूं अगे तोरन दा 27 पौड़ियां तक जपजी साहब जी दी आपां विचार गुरु जी वल्लों दित्ती हुई जो तुश बुद्ध मुताबक मैं कर चुके हां, तुसी सरवण कर चुके हो। अज 28वीं पौड़ी दी वारी है। पहलियां पौड़ियां विच अपनी जिंदगी च सचियारा किवें बनना है, कहदे वाहिगुरु, सचियारे दा रूप किवें बनना है। गुरबाणी दा खजाना सतगुरां ने सानू ये बख्शिश कीता कि तेरे जीवन दे विच्चों कूड़ निकले, तेरे जीवन दे विच्च सच आवे। ये पहलियां पौड़ियां दे विच्च तुसी विचारां सरवण कर चुके हो, ते नाल ये मेरी बेनती है, ये विचारां नू सुनन दा पढ़न दा लाभ ताई है जे ये विचारां नूं असी किसे ना किसे ढंग दे नाल अपने जीवन विच ढालण दा यतन करांगे। ते मेरी सब नूं अर्ज है जी, जो तुसी प्यार नाल गुरु बाबे नानक दियां विचारां सुन रहे हो, ये विचारां नूं यतन करो, समझ के मनो भी जरूर। कह दिओ वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु नानक पिता जी ने जोगियां नूं मुखातब करके ये जिहड़ी असी 28वीं पौड़ी का पाठ भी हुण करना है, जोगियां नूं मुखातब करके, उन्हां दे चिन्हां नूं मुखातब करके, ये जो सानू असलीयत दे विच जोगी किवें बनना है वो सुमत दित्ती है। कई जिहड़े गुरमत दे खोजी विद्वान ने उन्होंने भी खोज की थी, ये कई विद्वाना ने इतों तक किया कि जिहड़ी जपजी साहब जी की बाणी है सिद्धां दे नाल होई चर्चा है, सिद्ध गोष्ट है। ये जिथे महाराज ने ब्रह्म की प्राप्ति का जिक्र किया, सचियारे बनन का जिक्र किया, अपने जीवन में उच्चा सुचा चुकन का जिक्र किया, उत्थे सतगुरां ने ये जोगियां दे कई सवालों का जवाब भी दिता है। कहते वाहिगुरु, ते उन्हां दे चिन्हां नूं मुख रख के, क्योंकि महाराज का मनोरथ अपना मैसेज देना, ना कि दूजियां दी बुरियाई करनी, दूजियां नूं नीवा विखाउणा। ते मेरा बाबा नानक इहो जिहा गुरु है, जिहो जिहा उहदे कोल कोई रोगी आउंदा, मेरा बाबा नानक उहनूं उहो जी दवाई दे के ही उहदा इलाज करदा है। कहदे वाहिगुरु,
धन गुरु रामदास जी, सारे आखो धन धन बाबा, धन धन बाबा, धन धन बाबा। आओ पहले इस पौड़ी का पाठ कर लईए, उस तो बाद फिर शब्द पढ़ के अपना अपनिया विचारां नूं अगे तोरांगे। चौंकड़े मारो प्यार दे नाल 28वीं पौड़ी मेरे बापा बाबा नानक जी जो कृपा कर रहे ने, सारी संगत पढ़ियो जी प्यार नाल। मुंदा संतोख सरम पथ झोली, ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। ठप्पा हुणे कीता ते एदी विचार नूं अगे तोरांगे, गुरु सेवा लवे। पर आओ उस तों पहलां गुरु अर्जन पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया शब्द, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 206 और 207 अंग दे उत्ते विराजमान है। पहले इस शब्द दा गायन करिए। तुझ बिन कमन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। सारी संगत कृपा करियो जी, कोई रसना मांझी ना रहे। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जदों कहना है ना मेरे प्रीतम प्राण आधारा, सुरत विच गुरु रामदास बापू दे दर्शन होण, उहदे प्यारे बाबा दीप सिंह शहीद सिंघां दे दर्शन होण, कि तेरे बिना साडा है ही कोई नहीं। करियो कृपा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, बिन कवन हमारा, तुझ बिन कवन हमारा। बड़ो सारे। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, बिन कवन हमारा, तुझे बिन कवन हमारा। सारे पढ़ो जी। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, बिन कवन हमारा, तुझे बिन कवन हमारा। गुरु रामदास जी, बाबा दीप सिंह जी, जानी तुम ही सज्जन सुहेले, अंतर की पिद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सुहेले, सर्प सुखा मैं तुझते पाए,
मेरे ठाकुर अगे अतोले। सर्ब सुखां में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। मेरे ठाकुर अगे अतोले मेरे प्रीतम प्राण अधारा। मेरे प्रीतम प्राण अधारा बिन कवन हमारा। तुझ बिन कवन हमारा। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, सुखदाते। वर्ण सापो तुमरे रंगा गुण निधान सुखदाते। अगमगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। पूरे गुरते जाते मेरे प्रीतम प्राण अधारा। मेरे प्रीतम तुझ बिन कवन हमारा। तुझ बिन कवन हमारा। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। परम पोकाट किए नह केवल जब ते हाँ मैं मारी। परम पोकाट किए नह केवल जब ते हाँ मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी। साध संगत दरसारी मेरे प्रिय
प्रीतम प्राण आधारा तुझ बिन कवन हमारा तुझ बिन कवन हमारा हमारा
जे दूजे पासों मंगीए ता लाज मराईए तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा नाही मैं दूजा तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन तन बाबा दीप सिंह 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 जी तुझ बिन अमर नाही मैं दूजा जे पत्री चलावो दुतिये मता दोए मानुख पहुंचावो तृतीये मता हाँ किछ करो उपाया मैं सब किछ छोड़ दाता जी मैं सब किछ छोड़ मैं सब किछ छोड़ प्रभु तू आया तुझ बिन कवन हमारा तुझ बिन कवन हमारा तुझ बिन कवन कमन खमारा कमन खमारा पिताजी तुझ बिन कमन खमारा किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाले अपने सुआई पर मेरा ते तू ही है ना हमारा तड़ा मेरा मां तू ही है तड़ा गुरु रामदास जी धन 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 धन बाबा दीप सिंह 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 जी हमारा तड़ा हमारा हमारा
पहाड़ा हमारा हमारा हर एक से नाल में दोस्ती हर एक से नाल में रंग हर इको मेरो सजनो हर एक से नाल में संग हमारा तड़ा हमारा तड़ा हर नया समाई तुझ बिन कमन मेरा चित नहीं सी करता शब्द समाप्त करिए
दिल करदा सी कीर्तन करी चलीए शब्द पढ़ी चलीए पर समय दे दायरे च रहना भी जरूरी है जरूरी। गुरु चरणा विच अरदास करियो जिन्ने भी सवास गुरु साहब जी ने दिते ने नाल जिथों तक भी कुल्ला चलण मेरे अखीरले सवास तक भी ते जिथों तक भी कुल्ला चलण प्यारियो रस दे विच आनंद दे विच जिदे गुण गा रहे हैं उन्हों नेड़े महसूस करके गुण गाउन वाली कृपा जिन्हें भी कथा कीर्तन सतगुरु सेवा लैण ये सारी बख्शिश हर कीर्तन दे विच वरते ये तुसीं अरदास करियो क्योंकि तुहाडी अरदास विच बड़ी ताकत है बहुत ताकत बहुत ताकत। जिथे आके संगत अरदास कर देवे ना प्यारेओ कर्मा दे विच भी साहिब नू रेख दे विच मेख मारनी ही पैंदी है। कहदे वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन धन बाबा सारे आखो धन धन बाबा। तो हुण अपने विचार नू असीं अगे वधाईए अज दी जड़ी 28वीं पौड़ी है इउं प्रतीत हुंदा है जिवें जोगियां ने महाराज दे कोलों सवाल कीता जी तुसी कौन हो ते महाराज ने उन्हां दी बोली विच उन्हां नूं समझाउणा सी क्योंकि ये साहिब दी दूर दृष्टि है अगले नूं सूझ बूझ भी करा देनी ते उहदा दिल भी ना दुखी होवे इस ढंग नाल कराउणी सूझ बूझ। केंद्र जी तुसी कौन केंद्र मैं जोगी। अच्छा जे तुसी जोगी हो ते जोगियां वाला लिबास ते तुसी पहने हैं कोई नहीं खप्पर तुहाडे कोल नहीं सवा तुसी नहीं मली कन्ना विच मुंदरां तुसी नहीं पाईयां डंडा हाथ विच नहीं है तुहाडे गोदड़ी तुहाडे कोल नहीं है तुसी जोगी किवें हो गए। ये निशानियां ते हैं ही नहीं तुहाडे कोल क्योंकि ये निशानियां नूं परमेश्वर प्राप्ति का एक ढंग समझते सी जोगी। तो बाबे नानक ने बड़े प्यार विच मुस्कुरा के उत्तर पता की दिता केंद्र तुहाडे कोले निशानियां हैं केंद्र जी हैं तुहानू नज़र आए रही हैं असी पाईयां हुई हैं सारियां निशानियां साडे कोल ने। तो महाराज केंद्र जोगी बनना शरीर करके के मन करके महाराज कहिंदे मन करके जोगी बनना है। जे तुसी मेरे वल तकोगे शरीर दे उत्ते तुहानू ए चीजां ए निशानियां नजर नहीं आउणगियां पर जदों अनुभव करके तकोगे ए सारियां निशानियां ए सारियां चीजां मैं अपने मन दे उत्ते पाईयां होईयां ने। कहदे वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन धन बाबा। और मैं हैरान हुंना हैरान जेड़ा जोगी गुरु नानक बनाउन लगा है ना सानू जेड़ा जोगी बनाउन लगा बापू नानक सानू ये मेरी बेनती है सारे ये जोगी बनन दा यतन जरूर करेओ। बड़ा प्यारा ढंग दस्या और ये जोगी घर बार त्याग के नहीं कहदे वाहिगुरु घर बार त्याग के नहीं ग्रस्त विच रह के भी बंदा बन सकता है भावें कोई अमीर है भावें कोई गरीब है वह भी यह जोगी बन सकता है भावें कोई दुमाला सजाउंदा है भावें पेचां वाली पग बनदा है वह भी यह जोगी बन सकता है भावें कुर्ता पजामा पाउंदा है ते भावें पाउंदा है पेंट कमीज वह भी यह जोगी बन सकता है एक स्कूल का प्रिंसीपल भी उसे स्कूल का टीचर भी ते उसे स्कूल का विद्यार्थी भी ये जोगी बन सकता है। कहते वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी धन धन बाबा। एक फैक्ट्री का मालिक भी ये जोगी बन सकता है ते फैक्ट्री विच कम करन वाला भी ये जोगी बन सकता है।
जोगी कहिंदे जी तुसी ते निशानियां पाईयां ही नहीं, तुसी किवें कह सकदे हो मैं जोगी हां। महाराज कहिंदे मन करके मैं सारियां निशानियां धारण कीतियां ने। कहिंदे तुसी कन्नां च मुंदरां पाईयां ने, मैं अपने मन नूं मुंदरां पाई है। मुंदा संतोख कह दिओ वाहिगुरु संतोख। कहिंदे मैं संतोख दियां मुंदरां पाईयां ने अपने मन नूं। है जी परमेश्वर प्राप्ति दा ए भी बहुत प्यारा बहुत वड्डा गुण है, अंदर संतोख आ जाना। जेड़ा संसार तो ही नहीं रजिया प्यारेओ, ओदे अंदर परमेश्वर दे मिलाप दी खिच पैदा किवें हो सकदी है। बड़ा प्यारा मार्ग है, बड़ा प्यारा ए गुण है संतोखी बनना। जो कुछ तू दिता है तेरा शुक्र, जिन्ना दिता है तेरा शुक्र, जीवें दा दिता है तेरा शुक्र। कहदे वाहिगुरु ए संतोखी दी निशानी है। वो ताने मेने नहीं देंदा मैनू आ नहीं मिलिया मैनू आ नहीं मिलिया, जिन्ना दिता है दाते है तेरा शुक्र है। तू मेरे गरीब ते कृपा कीती, मेरी औकात तो भी तू मैनू ज्यादा दिता है। संतोखी और सच्ची गल जी, जेड़ा बंदा संतोखी बन जाता है ना वो बड़े कला कलेश मुक जाते जे, बड़े कला कलेश। तो संतोखी बनन की एक बड़ी प्यारी जुगत है, जे अपनानी चाहो तो अपना लेना। संतोखी जे बनना है ना मैं भी तुसी भी, ये मुंदरां जे पाउणियां ने अपने मन नूं संतोख दियां, जो मेरा बाबा नानक सानू जोगी बनाउणा चाह रहे है, जे बनना है ना। ते संतोखी बनन दा एक बड़ा प्यारा फार्मूला है, एक बड़ा प्यारा ढंग है कि दुनियावी पक्ष तों जदों भी वेखो अपने तो नीवे वाले पासे वेखो, फिर अंदर संतोख आएगा। तुसी कहोगे ये की, हुण मन लो तुहाडा 100 गज दा मकान है, तुसी जे 250 गज वाली जिन्हों कोठी मिली है, 500 गज वाली जिहदे कोल कोठी है, जे उहदे वल तकोगे ना तुहाडे अंदर कदी भी संतोख नहीं आएगा। अपने तो नीवे वाले पासे वेखो, अंदर सबर संतोख आएगा। शुक्र है दत्या तू मैनू 100 गज का मकान दिता है। कई तो किराए ते रहिंदे ने, कहदे वाहिगुरु। ते मन लो जे तुसी किराए ते रहिंदे हो ना, उदों भी अपने तो नीवे वाले पासे वल वेखो, शुक्र है दत्या तू मैनू किराए की कुली बख्शी है। कई तो इहो जे ने गर्मी सर्दी बारिश के मौसम भी सड़कों के उत्ते अपनियां रातां बतीत करते हैं। शुक्र है तू मैनू किराए दा ही दिता ही दिता ते आ, फिर अंदर संतोख आए। संतोख मान लो तुहाडे कोल स्कूटरी है, एक्टिवा है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तुसी जे वेखोगे ना महंगीआं गड्डियां वालिआं वल, अंदर कल्पना चढ़ेगी शांति आ ही नहीं सकती। फिर रब नूं वी ताने मेणे दिओगे जी मैनू दिता की, उह वेखणा ही ते उहदे वल वेख जिहड़े साइकलां ते जांदे ने, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਆਏਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2-2 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ
संतोख विच आएगा। दुनियावी पख तो थले वेखना है, परमार्थ दे पख तो उच्चा वेखना है, फिर मन संतोखी होना शुरू हो जाएगा। देखो मैं कई बारी हैरान ना, एक बारी बोलो वाहिगुरु सब। तलवंडी बाबा दीप सिंह जी का अज भी अस्थान मौजूद है। बाबा दीप सिंह ने जिस भोरे विच बह के कई साल चौंकड़े मारे ने ते बाणी दा अभ्यास कीता, सिमरन बंदगी विच जीवन बतीत कीता, दो घड़े अज भी उत्थे जाके कदी दर्शन करियो, इन्ना संतोखी जीवन है बाबे दा। एक घड़े दे विच छोले पा लैंदा बाबा, दूजे घड़े दे विच पाणी, ते जे शरीर नूं किते भुख लगदी है ना छोलियां दा मारदा है फक्का, थोड़ा जिहा पाणी दा घुट भर लैंदा ते फिर सिमरन च बह जांदा है। साड़ी यारी तो वो लगी है जेड़ा इन्ना संतोखी, इन्नी कमाई करता है, इन्नी बंदगी करता है कि तू अखवावें अपने आप नूं ओदा, ते तेरे अंदर लालच दियां हदां ही टप्पियां होण ते गल ते ना बणी। कह दिओ वाहिगुरु, गज के बोलो धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा जे संतोखी बनी है। बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ लो, जदों ताना देता सी एक बीबी ने पहली अवस्था दे विच किसी दे घर गए, एक प्रसाद छकदे सी ते ओह वी मंग के छकना, बंदगी करन तों बाद सारा दिन बंदगी प्रसादा मंग के छकना। जदों गए जी प्रसादा, ओह बीबी कोई कल्पी होई सी करो, ओह पता की कहिंदी, कहण लगी मैं प्रसादा हुणे बनावांगी, पहले मेरे बच्चे खाणगे, पति खाएगा, परिवार खाएगा, बाद विच तेरे वर्गियां दी वारी आएगी। गल वज गई अंदर बाबा जी दे, कहण लगे अच्छा बाबा नानक तेरे ने यारी ला के मंगना पवे, गल ते ना बणी। फिर अरदास करती उस सबरी बाबे ने, की अरदास, कहिंदे हे गुरु नानक भेजेंगा ते खावांगे, नहीं तां ओदां ही झट लंघावांगे। कह दिओ वाहिगुरु, इन्ना सबर अंदर कीता ते अज तक प्यारे ओ नानक सर अस्थान ते प्रसादा पकदा नहीं, पक्या पकाया ही आउंदा है जी। कह दिओ वाहिगुरु, संतोख 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 दा मतलब जो मिल गया, जिन्ना मिल गया, जिवें दा मिल गया, तेरा शुक्र है। सारे आखो तेरा शुक्र है। मुंडा संतोख अगे कहिंदे सरम पत झोले, उद्दम मेहनत ते किरत दी मैं सरम, दूजियां तो मंगना नहीं, ए चीज दी मैं इज्जत दी झोली बना ले। बाबा नानक कहिंदे आ चीज मैं अपने अंदर धारण कीती होई है, तुसी बाहर झोली बनाई है, मैं अंदर धारण कीती है शर्म दी, मेहनत दी, उद्दम दी, किरत दी, इज्जत दी झोली धारण कीती है। मुंडा संतोख सरम पत झोली, अगे कहिंदे ध्यान की करे विभूत, कहिंदे हर वेले मेरा ध्यान ओदे चरणां नाल जुड़िया रहिंदा है, ए मैं विभूति लगाई, ए सवा ए विभूति मैं धारण कीती, तुसी बाहरों ए विभूति लगाई है, सारे पिंडे नूं सवा मिली है, पर मैं ओदे ध्यान दी विभूत लगाई है। कह दिओ वाहिगुरु, मेरा एक सैकंड लई भी ध्यान ओदे तों इधर उधर नहीं हुंदा। आ जोगी बणीए बणीए जी, आ जोगी बाहर सवा मलणी, पर कहिंदे नहीं अंदर ओदे ध्यान दी विभूत लगा, अंदर हर वेले चेते विच रवे, कदी भुले ही ना। हुण बाहर तुसी सियाणे हो, जे इदा ही जोगी बनना हो, बार सवाल आ लीए, मैं भी लाना, आ भी ला ले, वह भी ला ले, सारे जिन्ने भी बंदे ने, जिन्ने भी मनुख ने, सारे सवाल आ के चलते हो, तुसी कदी ध्यान देना वह कहो जी दुनिया लगेगी, किड्डी हासोहीणी स्थिति बन जाएगी। पर जेड़ा जोगी बाबा नानक बनाना चाहता है, मैं कहना सारे बनने लई तैयार हो जाएंगे। अज किसी गृहस्थी को जोगी बनना, तेनू सवाह मलनी पैनी पिंडे, तो सारे कह जा भरावा अपने घर राजी रह के, वाहिगुरु असी नहीं यहोजे जोगी बनना। तो हुण किसी नौजवान नू कहो, न्यू जनरेशन वाले नू कहो, पढ़े लिखे नू कहो, स्कूल दे किसे प्रिंसीपल नू कहो, किसे एडवोकेट नू कहो, किसे जज नू कहो, हां जी किसे फैक्ट्री दे मालक नू कहो, किसे भी बंदे नू कह दियो भाई जेड़ा जोगी बाबा नानक बनाउणा चाहुंदा है बनेगा,
कहेगा हां चलो पूरी तरह नाम ही बन पाया पर बनने दी मैं कोशिश जरूर करांगा। कहदे वाहिगुरु जवाब देणगे सारे जिहो जिहा जोगी बाबा बनाउणा चाहुंदा कहिंदा मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे विभूत अगे कहिंदे खिंथा काल कुवारी काया मौत नू याद रखना खिंथा काल मौत नू याद रखना उदी गोदड़ी मैं धारण कीती है। कहदे वाहिगुरु कुवारी काया जुगत एदा की मतलब शरीर नू अपने विकारा शरीर नू विकारा तो बचा के रखे है ए जोग दी रहत मैं रखी हुई है। कहदे वाहिगुरु ए जोग दी रहत मैं अपनाई है कि अपने शरीर नू विकारा तो बचा के रखना है। खिंथा काल कुवारी काया जुगत शरीर नू विकारा तो बचा के रखना है ए जोग दी जुगत मैं अपनाई है। हुण अपनाओ ए जुगत बराबर दी नू वेखो अपनी भैण समझो वड्डी नू वेखो अपनी मां जां अपनी वड्डी भैण समझो छोटी नू तकिया अपनी छोटी भैण या अपनी धी समझो। कहदे वाहिगुरु एहो चीज भैणां दे लई वी लागू हुंदी है बराबर दे नू तकिया अपना वीर समझिए वड्डे नू तकिया अपना वड्डा भरा जां पिता समझिए छोटे नू तकिया अपना पुत्तर या छोटा भरा समझिए। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਈ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਢੰਗ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵ ਕਿਨੂੰ ਨਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ ਅਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਤੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਦਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਹੈਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਤੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਣੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਬਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈਏ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲਗਾਈਏ ਵਿਭੂਤ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਪਾਉਣੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ 9 ਜੁਲਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:05 ਤੋਂ 3:15 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, PTC ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।